उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इस सीट पर बीजेपी का मुकाबला एसपी आरएलडी के संयुक्त उम्मीदवार से होना है। हालांकि एसपी आरएलडी दोनों ही चुनाव में बीएसपी का भी समर्थन मिलने का दावा कर रही है, लेकिन मायावती की चुप्पी से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या कैराना उपचुनाव में एसपी आरएलडी गठबंधन को मिलेगा बीएसपी का साथ। आखिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कैराना पर क्यों चुप्पी साध ली है। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव के बाद कैराना लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस सीट पर बीजेपी ने जहां दिवंगत हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं आरएलडी ने तबस्सुम हसन पर दांव खेला है, जिसे अखिलेश यादव की पार्टी एसपी का समर्थन भी हासिल है। लेकिन इस चुनाव को लेकर जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो ने चुप्पी साध ली है, उससे रहस्य गहराता जा रहा है। मायावती ने अब तक अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया है। हालांकि गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद मायावती ने मिशन 2019 की तैयारियों का हवाला देकर आगामी लोकसभा चुनाव तक कोई चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने उपचुनावों में किसी का समर्थन नहीं करने के संकेत भी दिए थे। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी और आरएलडी उपचुनाव में बीएसपी का समर्थन मिलने का दावा कर रही है। इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि मायावती और अखिलेश के बीच अगले हफ्ते एक बैठक होने वाली है, जिसमें यूपी उपचुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इसी बैठक में सीटों को लेकर भी मंथन होगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मायावती कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा सीट पर विपक्षी उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने का ऐलान करती हैं या फिर इस उपचुनाव से दूरी बनाकर रखती हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।